दिल्ली तरफ कूच करी रहा है। जो चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री साथ बात निष्फ गई तो सवार 10 वाग्या दिल्ली रवाना थवाना है। पंजाब हरियाणा ने उत्तर प्रदेश खेडूते लघुत्तम टेकाने एटले के एमएसपी की गेरंटी अंगे कायदो बनावा सहित विविध मांगणी माटे देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की संपूर्ण तैयारी करी है। आ दरमियान दिल्ली पुलिस राजधानी में प्रवेशता रोकवा तैयारी करी है। दिल्ली में कलम 144 लागू कर दी है। आ वक्त खेडूत ने कोईपण संजोगों में ट्रेक्टर बस और अन्य वाहनों में दिल्ली में प्रवेशवा देवामां नहीं आवे जेथी तेओ गया वखतनी माफक उपद्रव अने राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति करी शके। सरहदों पर पहलेथी ज मोटी संख्या में अर्धलश्करी दलों तैनात करी देवामां आव्या छे। स्पेशियल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर रविन्द्र सिंह यादवे कह्युं छे के दिल्ली में प्रवेशवाना सैकड़ों रस्ताओ छे। जो कोई व्यक्ति मेट्रो ट्रेन जाहेर परिवहन अथवा तो अन्य माध्यमथी प्रवेश करे छे तो तेनी ओळख थता तेने तात्कालिक कस्टडी में लेवामां आवशे। दिल्ली पोलीसनुं कहेवुं छे के गया वखतनी माफक आ वखते पण अनेक राजकीय पक्षोए खेडूतोने भड़कावा माटे हाथ मिलाव्या छे। इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ अने सरकार विरोधी सूत्रोच्चारवाळी पोस्ट मुकवामां आवी रही छे। आ अंगे आ कारणे दिल्ली पोलीसना आईएफएस यूनिटने सक्रिय अने नजर राखवा माटे कहेवामां आव्युं छे। दिल्लीने हाई एलर्ट पर राखवामां आव्युं छे। एक बार फिर से किसानों ने आह्वान किया है कि वो दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर जो तमाम बॉर्डर्स हैं पुलिस की जो कड़ी सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्स जो है तैनात की गई है। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, दिखाऊंगा आखिरकार किस तरीके की तैयारियां जो है की गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले मैं दिखाना चाहूँगा जिससे कोई ट्रैक्टर जो है एंट्री ना करे, जिसको लेकर ये कील नुमा ये बनाई गई है, एक पट्टी तैयार की गई है, तो सड़क पर बिछा दिया जाएगा। यदि ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं या दिल्ली की तरफ आते हैं तो ये कील बिछा दी जाएंगी और उनके जो टायर हैं वो बस्ट हो जाएंगे, जिससे कोई भी ट्रैक्टर जो है दिल्ली के अंदर एंट्री ना की जा सके, जिसको लेकर ये पुलिस द्वारा तैयारी की गई है। दिल्ली पुलिस द्वारा ये तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स जो है तैनात की गई है। आप दिखाना चाहूँगा किस तरीके से जो है तैनाती फोर्स की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है निगरानी रख रही है। वहीं दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से बैरिकेटिंग लगा दी गई है। सात लेयर सुरक्षा जो है की जा रही है, जिससे किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके, क्योंकि आज 10 बजे का ऐलान जो है किसानों की तरफ से किया गया है। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूँ। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। यदि आप दिल्ली जा रहे हैं तो समझ जाइएगा, क्योंकि आज किसानों द्वारा आह्वान किया गया है वो दिल्ली कूच करेंगे, जिसको लेकर पुलिस द्वारा बैरिकेटिंग लगाई गई है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेयर की इस तरीके के पत्थर लगाए गए हैं। वहीं इस तरीके के बड़े बड़े डंफर लगा जो है ट्रक जो है खड़े कर दिए गए हैं, जिससे कोई भी किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर जाए। ये सुरक्षा की दृष्टि से पूरा कदम जो है दिल्ली पुलिस द्वारा उठाया जा रहा है। हालांकि अब देखना यही होगा आखिरकार ये सुरक्षा कितनी कारगर है या दिल्ली के अंदर किसान एंट्री कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब देखना यही होगा 10 बजे के बाद किस तरीके की स्थिति बनती है। हालांकि गाजियाबाद और नोएडा पुलिस की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी दिखाई दे रही हैं। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़।